गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। आज फिर से हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है, ठीक है। जिसके कारण थोड़ा सा भी अगर उस ऑर्गेन में डिफेक्ट आता है, किसी तरह की कमी आती है उसके फंक्शन में, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, हमारे दिनचर्या पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम लोग चलते हैं उस मेन ऑर्गेन को देखते हैं, और उस मेन ऑर्गेन के साथ साथ ये हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहलाता है, ठीक है। आज जो जिस ऑर्गेन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो ऑर्गेन जो है हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, ठीक है। चलते हैं, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लीवर, क्लियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लीवर। तो आज हम लोग देखेंगे ये जो लीवर है वो कैसा होता है, किस शेप का होता है, उसका साइज क्या होता है, किस कलर का होता है, और हमारे शरीर में ये लीवर कहाँ पर स्थित होता है। इतने चीज़ के बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं कि ये लीवर कहाँ है, किस तरह का है, और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले लीवर के इंट्रोडक्शन में जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि लीवर वर्ड कहीं पर भी आता है तो उसके साथ एक वर्ड को यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं हिपैटिक, ठीक है। इस वर्ड को हम लोग यूज करते हैं, तो ये जो वर्ड है कहाँ से आया है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो हिपैटिक वर्ड है कहाँ से आया है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि लीवर वर्ड का नाम अगर कहीं पर आएगा और आप वहाँ पर आने के बाद अगर हिपैटिक वर्ड का नाम आता है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वर्ड कहाँ से आया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीवर को सम टाइम हेपर भी कहा जाता है। इसी हेपर का जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है, इस हेपर का एडजेक्टिव फॉर्म जो होता है उसे हम लोग हिपैटिक कहते हैं, क्लियर। हिपैटिक क्या हो गया, लीवर का एडजेक्टिव फॉर्म होता है, और ये एडजेक्टिव फॉर्म जो है ये हेपर से आता है, जिस चीज़ को बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग देखते हैं कि कहीं कहाँ पर इस बीमारी के बारे में जैसे लिखा था हिपैटोमेगाली, हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये जो बीमारी है हेपेटाइटिस, हेपे डैट मीन्स लीवर हो गया, हिपेटोमेगाली डैट मीन्स लीवर हो गया, मतलब जहाँ पर भी इस हेपेटो वर्ड का यूज होगा तो आप लोग क्या समझेंगे कि वो हमारे लीवर से रिलेटेड है, क्लियर। हेपेटिक वर्ड जो होता है हमारे लीवर से रिलेटेड होता है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि लीवर जो है वो क्या है। तो सबसे पहले लीवर के बारे में, तो लीवर इज ए वाइटल ऑर्गेन फाउंड इन वर्टिब्रेट, ठीक है। जो लीवर हमारा वाइटल ऑर्गेन, वाइटल ऑर्गेन कहने का मतलब होता है कि हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन होता है। वाइटल मतलब कहने का मतलब है इसके बिना जिंदगी संभव नहीं हो। हमारे शरीर में वाइटल वर्ड जहाँ पर भी लगा रहता है इसका मतलब होगा कि वो अगर अब्सेंट रहेगा, हमारे शरीर में नहीं रहेगा, तो उसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वैसे ऑर्गेन के लिए हम वाइटल ऑर्गेन का वर्ड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, लीवर क्या हो गया, हमारा वाइटल ऑर्गेन है, और ये वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, डैट मीन्स स्तनधारी जो भी प्राणी होंगे उन सारे में हमारा जो लीवर है वो पाया जाएगा, क्लियर। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि लीवर जो है हमारा ये लार्जेस्ट सॉलिड एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है,
ठीक है, जो हमारा लीवर है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, उसके साथ ही साथ ये सॉलिड और ये जो होता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। चूँकि ये जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो लीवर है, कुछ एंजाइम को निकालता है, कुछ जूसेस को निकालता है, जिसमें कुछ में बाइल आता है, और वो बाइल जो है हमारे शरीर के डाइजेस्टिव फंक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। क्लियर? तो ये क्या हो गया, हमारा शरीर का लार्जेस्ट सॉलिड डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। अब हम लोग चलते हैं, इसका कलर क्या होता है, तो लीवर का कलर क्या होता है, उस चीज़ को अब हम लोग देखते हैं। तो लीवर का जो कलर है हमारा वो रेडिश ब्राउन, ठीक है, कलर का होता है। लीवर क्या होता है हमारे, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। क्लियर? अब जो हम देखते हैं वो है हमारा शेप। जो लीवर का शेप होता है वो विगेट शेप्ड होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे नॉर्मल वे में घर में कील कांटी को देखे होइएगा, कील के ऊपर इस तरह का होता है और ये इस तरह का होता है, मतलब एक साइड जो होता है नुखीला और दूसरा साइड हल्ला थोड़ा सा चौड़ा टाइप का होता है। इसी चीज को अगर हम लोग थोड़ा तिरछा करते हैं तो ये हुआ, और इसी में अगर लीवर का शेप अगर बनाते हैं तो हमारा लीवर का शेप हो जाएगा, ठीक, मतलब इस साइड से थोड़ा चौड़ा और आगे जाकर के पिन पॉइंटेड पतला हो जाएगा, तो वो हो जाता है हमारा लीवर, जिस तरह से ये शेप होता है। अब हमारा नेक्स्ट है वेट। तो लीवर का वजन क्या होता है हमारे शरीर में वो देखते हैं। तो लीवर का जो वजन है अप्रॉक्स हम लोग कहते हैं उसे 1.2 केजी से लेकर 1.5 केजी तक। हमारे शरीर में लीवर का जो वजन होगा 1.2 से लेकर के 1.5 केजी तक, डैट मीन्स 1 किलो 200 ग्राम से लेकर के 1 केजी 500 ग्राम तक हमारे लीवर का वजन हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे शरीर के कंस्ट्रक्शन पे, कॉन्स्टिट्यूशन पर भी, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा फैटी पर्सन रहेगा, लंबा आदमी रहेगा, मोटा आदमी रहेगा, तो उसके लीवर का जो वेट होगा वो थोड़ा सा स्लाइटली वैरी करेगा। ऐसे हम लोग इसको देखते हैं मेल और फीमेल में, तो मेल का जो अप्रोक्स लीवर का वेट होता है वो 1.5 केजी होता है, और फीमेल का जो अप्रोक्स लीवर का वेट होता है 1.3 केजी होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है साइज। तो हमारा लीवर का जो साइज है वो होता है हमारा 10 से 15 cm तक, डैट मीन्स कहा जाए तो लगभग 6 इंच के बराबर हमारा लीवर का लंबाई होता है। क्लियर? तो जो हमारा लीवर है उसकी जो लंबाई होगी 10 से 15 सेंटीमीटर या 6 इंच के आसपास होता है। अब हम लोग देखते हैं लीवर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है हमारा लोकेशन। ये जो लीवर है ये कहाँ पर होता है उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझें। तो लीवर क्या कहता है कि द लीवर इज लाइज, लाइज का मतलब होता है स्थित, सिचुएटेड, ठीक है, लाइज इन अपर क्वाड्रेंट ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। अपर, दैट मीन्स मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि एब्डोमिनल जो कैविटी होता है उसको 9 भागों में बांटा गया था। यहाँ मैं छोटा सा पिक्चर बना रहा हूँ, ध्यान दे। इस तरह का मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लीवर एब्डोमिनल कैविटी है इसे 9 भागों में हम लोगों ने बांटा था।
इस चीज़ को मैंने इसलिए आप लोगों को पहले पढ़ा दिया था कि आगे जब आप लोग ऑर्गेन पढ़ें तो उस ऑर्गेन के कहां पर स्थित है इसके बारे में हकीकत में आप लोगों को पता चल जाए, इसलिए मैंने इस चीज़ को आप लोगों को पहले पढ़ा दिया था। तो ये जो 9 रीजन ऑफ एब्डोमिन था, जिसमें ये हमारा था राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये था हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये था हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक। उसके साथ साथ मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि इस 9 रीजन का नाम, क्लियर। तो ये था हमारा अम्लाइकल रीजन, ये था हमारा राइट कौन सा लंबर रीजन, ये था हमारा राइट इलियक रीजन, ये अम्लाइकल रीजन हो गया, ये हो गया हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ये हमारा लेफ्ट इलियक रीजन, और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट लंबर रीजन। तो हम लोग चलते हैं कि जो लीवर होता है उसका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये सेफ है हमारे लीवर का, लीवर के सिचुएशन का, कि जो लीवर हमारा स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये देखिए, जो लीवर है हमारा वो क्या कहता है कि अपर क्वाड्रेंट, मतलब ये हो गया अपर क्वाड्रेंट, ये हुआ लोअर, और ये होता है मिडिल, MLU, यू का मतलब हो गया अपर, मिडिल एंड लोअर, ठीक है। तो हमारा जो लीवर होता है ये अपर क्वाड्रेंट में स्थित होता है। अभी अपर में भी किस किस भाग में होता है, तो हमारा ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, क्लियर, ये है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। उसके बाद है सबसे ज्यादा पार्ट जो होता है वो होता है हमारा एपिगैस्ट्रियम में, या एपिगैस्ट्रिक रीजन में लीवर का सबसे बड़ा पार्ट होता है। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, ये एक्सटेंडेड फैला हुआ है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक तक। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये हो गया हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। दैट मीन्स यहाँ से जो लीवर होता है ये इस तरह से पूरा इसको कवर किए हुए होता है, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ होता है, जस्ट इन्फेरियर टू द डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है, ये डायफ्राम, ये जो होता है हमारा डायफ्राम, ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच के सेपरेशन को कहते हैं, क्लियर। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में एक वाल होता है उसे हम लोग डायफ्राम कहते हैं। उस डायफ्राम के जस्ट नीचे हमारा ये ऑर्गेन स्थित होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द लीवर इज कवर्ड बाय रिब्स एंड कॉस्टल कार्टिलेज। तो रिब्स एंड कॉस्टल कार्टिलेज के बारे में भी मैं आप लोग अभी बता रहा हूँ कि वो क्या होता है, जिस चीज़ को देखे। अब हम लोगों ने इस इंट्रोडक्शन को देख लिया है, नॉर्मली हम लोग चलते हैं कि जो लीवर है वो कहाँ पर है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, क्लियर। यहाँ देखें, ये एक डमी है, ठीक है, ये हमारे शरीर का एक स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर में जो हमारा लीवर है उस चीज को देखें। ये जो आप लोगों को रेडिश कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये जो आप लोगों को रेडिश कलर का जो दिख रहा है ये होता है हमारा लीवर यहाँ। अब ये कैसे रहता है इसको देखिए, अगर हम लोग इसको निकालेंगे, क्लियर, ये है हमारा लीवर। तो ये जो लीवर होता है, ये जो रिब्स आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम, ये हमारे हैं रिब्स केज। आप लोग देखते हैं 12 को जो यहाँ है रिब्स, पतले पतले धारियाँ, वो है हमारा रिब्स केज, ठीक है। इसी रिब्स केज के
अंदर में हमारा ये लीवर इस तरह से स्थित होता है, ये क्लियर। तो ये हो गया हमारे लीवर का स्ट्रक्चर। अब मैं आप लोग को इसको दिखा रहा हूं एक स्केलेटन पे, तो ये जो लीवर है, ये लीवर ये हमारे स्केलेटन सिस्टम में इस तरह से आ करके और इसके अंदर में, ठीक है, इस रिब्स के अंदर में यहाँ से स्थित होता है, नीचे यहाँ पर इसके जस्ट पीछे। आप लोग जो इस रिब्स को देख रहे हैं इसके जस्ट पीछे, चूँकि इसके अंदर नहीं जा पा रहा है इसलिए मैं आपको इसके ऊपर से ही दिखा रहा हूँ। ये जो होता है इस रिब्स के जस्ट पीछे, इसका जब ज़्यादा भाग इस रिब्स के अंदर में रहता है, वही चीज़ जो लिखा गया हमारा, मोस्ट ऑफ द लीवर इज कवर्ड बाय रिब्स एंड कॉस्टल कार्टिलेज। तो रिब्स जो होता है ये है, और इस बीच का जो स्पेस होता है, जो मसल्स होता है, वो कहलाता है हमारा कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है। तो हम लोगों ने आज देखा है लीवर के बारे में, अब हम लोग देखेंगे उसके नेक्स्ट क्लास में उसके आर्टेरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई, इस चीज़ सब के बारे में। तो आज आप लोग इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए।